बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से नीतीश कुमार सवालों के घेरे में है। कैबिनेट में शामिल दागी मंत्रियों की वजह से नीतीश पहले से ही बीजेपी के निशाने पर है। वहीं उनकी पार्टी जेडीयू के विधायक भी इस कैबिनेट से खुश नहीं है, तो दूसरी तरफ अब लालू के लाल तेज प्रताप यादव की वजह से नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अब बहार लालू परिवार का है। तेजस्वी डिप्टी सीएम बन गए, तेज प्रताप यादव मंत्री बन गए और पूरा परिवार बिहार की राजनीति में एक बार फिर से एक्टिव हो गया। हालांकि इस बार एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसके बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार पर लालू परिवार का कब्जा हो गया है और नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया है। दरअसल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री तेज प्रताप यादव बिहार प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग करने पहुंचे थे, लेकिन इस मीटिंग में वो अपने जीजा शैलेश को लेकर पहुंच गए, जबकि शैलेश के पास ऐसा कोई पद नहीं है जिससे वो तेज प्रताप के साथ बैठक में शामिल हो सके। वहीं इस घटनाक्रम को लेकर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने हैरान करने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मंत्री बनने पर तेज प्रताप खुश थे, उसी खुशी में मंत्रालय की बैठक में वो अपने जीजा शैलेश को लेकर गए थे। कैसे कामकाज होता है ये दिखाने ले गए थे। उनके जीजा मीटिंग में थोड़ी देर रुके फिर निकल गए। हालांकि तेज प्रताप अपने जीजा को मीटिंग में क्यों लेकर गए थे वो बाद की बात है। फिलहाल बीजेपी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। बीजेपी विधायक दल के नेता तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि तेज प्रताप यादव मंत्रालयों की बैठकों में अपने जीजा को ले जा रहे हैं। इन लोगों ने बिहार का मजाक बनाकर रख दिया है, हास्यास्पद स्थिति हो गई है। प्रसाद ने ये भी आरोप लगाया है कि बिहार सरकार को लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, बेटी मीसा भारती, जीजा शैलेश चला रहे हैं। उनका कहना कि लालू परिवार ने सरकार पर कब्जा कर लिया है, जांच होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर कैसे जीजा मंत्रालय की बैठक में चले गए। वहीं बिहार में अब तेज प्रताप के जीजा के बैठक में शामिल होने पर बवाल बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर तेज प्रताप यादव अभी तक खामोश हैं, लेकिन लालू परिवार एक बार फिर विवादों में घिर गया है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।